कि बर्तानिया में जो सबसे मुकद्दस जगह है वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हर दूसरे दिन वहां एहतजाज होता है, पुरमन एहतजाज होता है, कभी किसी ने उसके ऊपर रोका है? तो मुझे ये बताएं कि जब रेंजर्स को देख रहे हैं मुझे उठा रहे और कमांडोज, तो क्या लोगों ने किधर जाना था? एहतजाज ही करना था ना। सवाल ये क्यों नहीं पूछते कि वो लोग जो 25 लोगों को गोलियां से मारा गया, वो लोग जिनकी नौजवानों की टांगे चली गई, 3 लोगों की टांगे कटी, जो बिस्तर पे है, जी कमर पे गोली लगी, पैरालाइज हो गया, वो क्या पाकिस्तानी नहीं थे? उनका कोई हकूक नहीं है? उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा कि जी कोर कमांडर हाउस जलाया? हम सब उसके हम मजम्मत करते हैं। मैंने सुप्रीम अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ने कि इमरान खान को जब पहली दफा, जब मैं अदालत में पहली दफा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, मैंने उसी वक्त मजम्मत की और मैंने कहा 27 साल में मैंने हमेशा अपनी पार्टी को कहा है कि आपने कानून के बीच में रहना। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा और मैं आज फिर कहता हूं कि ये जो किया जा रहा है, ये जो इंक्विजिशन है, ये इंसाफ नहीं हो रहा, वन साइडेड है कि फैसला कर लिया कि जनाब आपने तहरीक इंसाफ को खत्म करना है तो सारी पार्टी को। कितने लोग थे जो ये जिधर जो घर जल या बिल्डिंग जली है, कितने होंगे? 100, 150, 200, 300, 400, 1000 होगा। तो 10,000 लोगों को किस तरह अंदर डाल दे और फिर उनको मौका दे दो कि वो बताएं तो सही कि उनकी साइड क्या थी। दूसरा काम जी 164 के बयान लिए जा रहे हैं जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो खास तौर पे जिनको इन्होंने समझा जी जियो फेंसिंग में आ गए, उनसे बयान क्या लिया जा रहा है? मेरे सीनियर लीडरशिप जो जेलों में है कि जी 164 का बयान दें कि इमरान खान ने हमें हुक्म दिया था कि वहां जाके घर जलाओ, ये इमरान खान का हुक्म है, ये उनसे बयान ले रहे हैं। पहले तो कानून के अंदर ये समझ जाएं कि जो वादा माफ गवाह होता है उसको गिरगिट कहते हैं कानून में। गिरगिट का मतलब कि वो रंग बदलता है, वो जिधर होता है जिसके साथ होता है उसी तरह का बन जाता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, आजम खान को उधर पकड़ा हुआ है, सीनियर पाकिस्तान का सीनियर ब्यूरोक्रेट उसको अगवा किया हुआ है, उससे पूछ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दो, कोई 164 का वादा माफ हुआ, और लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जिसको पकड़ा हुआ है कि इसके खिलाफ बयान दो।